morning, my dear student. You are most welcome in this class. आपकी समझ हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर्यावरण प्रदूषण की बात आपके साथ शेयर करेंगे. आप उस पर ध्यान देंगे. आपने पढ़ा है पर्यावरण प्रदूषण क्या है. आपने इसको जब डिफाइन किया तो पहले पर्यावरण का आशय पढ़ा, फिर प्रदूषण का आशय पढ़ा, फिर दोनों को मिक्स करके पर्यावरण प्रदूषण का आपने आशय दर्शाया. प्रदूषण आप जानते हैं कि प्रदूषण क्या है. प्रदूषण का अभिप्राय जब किसी तत्व में कोई अवांछित तत्व आकर मिल जाए, बाह्य तत्व जो जिसके आवश्यकता नहीं है, जो नहीं उसमें होना चाहिए, यदि वो आकर के मिल जाता है तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं. अब वो प्रदूषण को हम कई रूपों में, कई तत्वों में अलग अलग देखते हैं. जितने भी हमारे तत्व हैं उन सभी तत्वों में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम अध्ययन करते हैं. आपके साथ पिछले सप्ताह में शेयर किया गया था प्रदूषण के 5 प्रकार बताए गए थे. वैसे कुछ विद्वानों ने 6 प्रकार भी बताया है. जैसे ये आपका मृदा प्रदूषण, इसको हम सॉइल प्रदूषण बोलते हैं. ठीक. और फिर है रेडियोधर्मी, प्रदूषण रेडियो एक्टिव, पॉल्यूशन. ये प्रदूषण के प्रकार बताए गए हैं. ठीक है, ये आप ध्यान देंगे. तो ये जो आपको जल प्रदूषण की बात उस दिन आपसे की गई कि जल में जब कोई वायु तत्व आकर मिल जाते हैं तो वह पानी या वो जल मानव जगत के लिए या जीव जगत के लिए हानिकारक हो जाता है और उसे हम प्रदूषित जल या जल प्रदूषण कहते हैं. देखा जाता है कि कई ऐसे वायु तत्व हैं जो आकर के पानी में, जल में मिल जाते हैं, उसे वो पानी नुकसानदायक या हानिकारक हो जाता है, तो इसको हम जल प्रदूषण कहते हैं. जल प्रदूषण के कई कारण आपको बताए गए, जैसे नदियों में विभिन्न प्रकार के नालों का पानी ऐसे सीधे डाल दिया गया, रिफाइन नहीं किया गया, या डेड बॉडी को या कूड़ा करकट नदियों में डाल देना, या सरोवर या तालाब या झीलों में डाल देना. इससे क्या होता है, वहाँ का पानी वो प्रदूषित हो जाता है. और जब जल प्रदूषित हो जाता है तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं. फिर भी हम उसमें कई कारणों को दर्शाए कि किस किस कारण से जल प्रदूषण होता है. और फिर उसके बाद बताया गया कि इसको रोकने के उपाय क्या, इसका नुकसान क्या. नुकसान सीधी सी बात आप समझ लो, जितने भी जीव जगत है, चाहे कीड़े कीट पतंगे हैं, क्योंकि जल वो भी पीते हैं, जब वो प्रदूषित जल पिएंगे तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. मानव स्वभाव, मानव जाति है उस पर है. जीव जंतु जितने हैं, चाहे वो पशु हों चाहे पक्षी हों, सबके जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है. आगे हम बढ़ते हैं. जल प्रदूषण के बाद में वायु प्रदूषण. आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण भी क्या है. सबसे पहले तो इसके बारे में भी आपसे बात की गई है कि जैसे वायु प्रदूषण, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं. ठीक. नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, 78% लगभग. ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होता है. आर्गन्स जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आदि सब मिला करके अन्य जो गैसें हैं वो 1% में होती हैं. तो 78 प्लस 21 प्लस 1, ये आपको ध्यान रखना है.
जैसे ये पूछा जा सकता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो आपको ये बताना है 21%। ठीक है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल। अब इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो 78%, अन्य जो है वो 1% होती है। अब जो वायु प्रदूषण के बारे में कि इसके प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, ये भी आपको पिछले सप्ताह आपको बताया गया था। ये जो विभिन्न प्रकार की यातायात के संसाधन चल रहे हैं, ठीक, उनसे निकलने वाला धुआं कहाँ जाएगा, वो वायु में ही जाएगा, ऊपर को जाएगा, और ऊपर वो वायु में मिक्स हो जाता है, वही वायु जो है हम सांस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है कुल मिलाकर के नुकसानदायक है। तो ये जो जितने भी विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, ट्रक है, मोटर है, कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जितने भी संसाधन यातायात के हैं, ये सब जैसे पानी की जहाज है, ठीक है, उससे भी कुछ धुआं निकलता है, जैसे इंजन है, ये कोयले का रेलगाड़ी का इंजन था, अब तो प्रचलन में नहीं, अब तो डीजल इंजन है, और अब डीजल के बाद अब विद्युतीकरण हो गया है, ठीक है। तो अब इन सब कारणों से आप ध्यान दें तो कुल मिलाकर के विभिन्न प्रकार के वाहनों के द्वारा भी वायु प्रदूषित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके द्वारा जो धुआं या गैसें निकलती हैं वो जाकर के वायु में मिल जाती हैं, और इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। औद्योगिक कारखाने हैं, कारखाने जितने भी हैं वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप जानते हो विभिन्न प्रकार के जितने भी कारखाने काम कर रहे हैं या संचालित हैं, उन कारखानों में ईंधन जलते हैं, और उससे क्या होता है, धुएं निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, वो गैसें कहाँ जाके मिलेंगी, वायुमंडल में मिलेंगी, वायुमंडल में जब जाएंगे तो उससे वायुमंडल में जो पाए जाने वाला तत्व है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, संतुलन बिगड़ने से वायु प्रदूषण होगा, इसका एक ये भी स्रोत है। फिर आपको बताया गया जैसे ताप बिजली घर है, इसके द्वारा भी जो बिजली बनाने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी ईंधन जलाए जाते हैं, और उस ईंधन से धुएं निकलते हैं, वो धुआं जा करके वायुमंडल में मिलता है, तो भी वो वायु प्रदूषित होती है। फिर अगला आता है जैसे भौतिक सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि इस तरफ हमारा देश या विश्व जो है इस तरफ बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो जो भौतिक सुख सुविधाएं प्रयोग में से प्रदूषण होता है, जैसे रंग रोगन प्लास्टिक का है, या डिस्पेंटर है, या फर्नीचर के पेंट है, रासायनिक पदार्थ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पेंट करके बिल्कुल बढ़िया चमक दमक दिखाई दे इस तरह करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो उससे जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, तो वो वायुमंडल में जाती हैं और वो भी नुकसानदायक है। अगला बिंदु आता है कि धूम्रपान, आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीड़ी सिगरेट या गांजा या हुक्का या अन्य इस प्रकार की बहुत सारी धूम्रपान के चीज़ें हैं उसका सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे जो निकलने वाला धुआं है वो कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, तो वायु प्रदूषित होगी। अगला है जैसे ईंधन जलाना, लकड़ी, कोयला और गोबर के उपले हैं, मिट्टी का तेल है, LPG गैस है, इन सब चीज़ों से भी वो जो गैस निकलती है, कभी कभी जो जलने से धुएं निकलते हैं, वो सब क्या है, वायु को प्रदूषित करते हैं। अब अगला जैसे और भी कुछ अन्य कारण हैं, जैसे आणविक विद्युत गृह हैं, रेडियोधर्मी हैं, कृषि कार्यों में जो खेतों में जो प्रयोग की जाती है, किसान खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों की दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ उससे जो गैस निकलती है वो जाकर के वायुमंडल को प्रदूषित करती है। अब इसके बाद अगला बिंदु है जैसे वायु प्रदूषण को से क्या क्या बीमारियां होती हैं, अब आप ये ध्यान देंगे बार बार जो बीमार, ठीक है, तो इससे क्या है, श्वास से फैलने वाले रोग काफ़ी हो जाते हैं, उससे नुकसान होता है,
धूल के कणों से युक्त वायु से रोग, जैसे धूल जब वायु में वो धूल के कण उड़ते हैं तो जाकर के नाक के माध्यम से अंदर जाते हैं और वो नुकसान करता है। ठीक, पशुओं पर प्रभाव पड़ता है, कारखाने में काम करने वाले लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जो वस्तुएं हैं पदार्थ हैं उन पर भी प्राकृतिक आपदाएं, इन सब कारणों से धरती का ये जो पृथ्वी है, इस धरती का जो ताप है वो भी बढ़ता है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही थी, ठीक है, प्रदूषण इतना बढ़ गया था, अब ये संकट काल या संक्रमण काल आया तो उससे कुछ नियंत्रण कंट्रोलिंग हुई है। अब इसके लिए बताया गया है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो आप जानते हैं कि वायुमंडल को के जो तत्व हैं उसमें उनके व्यवस्थाएं ठीक रहें, तो जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है उसके बजाय क्या करें, हम सीएनजी का प्रयोग करें, पेट्रोल डीजल के बजाय सीएनजी का इसका प्रयोग करें, तो उससे क्या होगा, उससे प्रदूषण कम हो जाएगा। ठीक है, जो लकड़ी आदि जलाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारा धुआं निकलता है, तो इनसे बचाव किया जाए। किसानों को देखिए, अपनी फसलें फूंक देते हैं, जला देते हैं, जब फसल काट लेते हैं और उसके बाद जो उसकी जड़ होती है उसको जला देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी धुआं निकलेगा उससे वार्मिंग बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, और वो कुल मिलाकर के नुकसान उन्हीं का है, हम आप सभी का नुकसान होता है, लेकिन हम उसको अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पर, जिन जिन कारणों से ये वायु प्रदूषण होता है, उन सब कारणों को पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम है यदि नियंत्रण में कार्य होगा तो निश्चित रूप से वह सुखद होगा, अच्छा होगा, उसका उपयोग करना अच्छा रहेगा। क्योंकि जब कोई चीज नियंत्रण से बाहर होती है, हमारे कंट्रोलिंग उस पर नहीं रह जाती है, तो कठिनाइयां होती है। आज हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण को लेकर के, चलिए हम ध्वनि प्रदूषण की ही बात कर लें। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ठीक, तो आप ये जानते हैं वायुमंडल में जो ध्वनि है उसके भी एक अनुपात है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी से जब अधिक ध्वनि होती है तो वह ध्वनि प्रदूषित होता है। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत नुकसानदायक हानिकारक है, जहां पर अधिक शोरगुल होता है, मशीन कल कारखाने जो चलते हैं कितनी तेज आवाज होती है। तो ध्वनि के संदर्भ में यह कहा गया कि वायुमंडल में उत्पन्न की जाने वाली अवांछित ध्वनि, ठीक, जिसका मानव या प्राणियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ऐसे ध्वनि जैसे एक प्राकृतिक ध्वनि है, एक उसकी जैसे डेसिबल में उसको आप आका जाता, मापा जाता है, तो उसमें ये निश्चित किया गया कि इतने से इतने के बीच जो डेसिबल के में यदि ध्वनि है तो वो ठीक है, उस कानों में आराम से सुनाई पड़ेगा, आसानी से आप उस पर विचार कर सकेंगे, उत्तर दे सकेंगे, ये सब बातें। लेकिन जब अवांछित तत्व जैसे विस्फोट किया गया, नए नए तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे संसाधन या मशीनें हैं जो चलाई जाते हैं, जैसे पहले जनरेटर चलता था बहुत तेज आवाज करता था, अब उससे क्या होता था, ध्वनि प्रदूषण होता, प्रदूषित होती थी। ठीक है, अब कभी कभी देखिए जब प्राकृतिक रूप से तेज से बादल गड़गड़ाता है, गरजता है, तो वो भी अवांछित है, उससे भी ध्वनि प्रदूषित होती है। अब ध्वनि प्रदूषण से जैसे टेलीविजन है, जनरेटर है, लाउड स्पीकर है, रेडियो है, बाजा है, कारखाने के सायरन है, मशीनें हैं, अनेक प्रकार के ऐसे संसाधन है, बस है, ट्रक है, मोटर, विमान, देखिए जहाँ पर विमान चलते हैं, ठीक है, वायुयान चलता है, आप देखिए कितने तेज आवाज़ वहाँ होती है। आपके कभी कभी जहाँ आप बैठे हैं वहाँ भी यदि ऊपर हवाई जहाज निकल रहा तो देखिए कितनी आवाज़ होती, तो ये क्या है, ये वायु ये ध्वनि के प्रदूषण का कारण है। अब इस
इसके जो कुछ हैं जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे आपका बादल का गरजना, बिजली फटना गिरना, ठीक है, ये सब ध्वनि प्रदूषण के। फिर कुछ है कृत्रिम स्रोत हैं जो मानव द्वारा बना दिए जाते हैं, जैसे घरेलू उपकरण है, वॉशिंग मशीन, एग्जास्ट, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, कूलर, कंडीशन, संचार के साधन हैं, कल कारखाने हैं, कृषि कार्य के हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं। इन सब कारणों से तो कुछ तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं और कुछ जो है वो मानव कृत होते हैं, कृत्रिम स्रोत होते हैं। बादल कोई व्यक्ति नहीं गरजवाता है, वो अपने आप गड़गड़ाते हैं, गरजते हैं, तो ये प्राकृतिक का, ठीक है। अब ये जो संचार माध्यम कल कारखाने, रेडियो, टीवी, ये सब है, ये सब यंत्र मनुष्य के द्वारा ही, यदि इनकी हम ध्वनि बहुत अधिक बढ़ा देते हैं तो उससे हम स्वयं जैसे डीजे वगैरह कार्यक्रमों में बजता है तो वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण होता है, आप अपनी बात नहीं कर सकते। कूलर चलता है तेज, इतनी आवाज खर 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 करता है, ठीक है, उसमें आप आसानी से बैठ नहीं सकते, अपना अपनी बात नहीं सुन सकते, ना अपना कोई कार्य कर सकते हैं, तो इससे क्या है बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। और इसका सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे कानों पर पड़ता है, बहरापन हो जाता है, व्यक्ति बहरा हो जाता है। कानों पर पड़ने के कारण, कानों से जो तेज आवाज होती है उससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, फिर हमारे कार्य करने की क्षमता घटती है, आंखों पर इसका बुरा असर पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे ध्वनि तरंगे हैं, खिड़की या दरवाजे के टू शीशे टूट जाते हैं, दीवारों में दरार पड़ जाती है, ठीक है, जब तेज से होता है, नहीं तो देखिए बिल्डिंगें गिर जाती हैं, छत फट जाता है, तो ध्वनि भी नुकसान पहुंचाता है। तो आप ये स्वर, इन पर क्या है, इन पर ऐसे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाए जिससे शोरगुल कम हो, और हमें जैसे हार्ट के लोग पेशेंट हो जाते हैं, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, बहरापन, आंखों पर बुरा प्रभाव, इन सब बातों का प्रभाव जो ध्वनि प्रदूषण है, इसका प्रभाव इन पर पड़ता है। और इनको हम यदि नियंत्रण कर लें तो हम ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव से, प्रतिकूल प्रभाव से बच सकेंगे। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि आप यदि इतना अच्छा समझ लेंगे, आज आपको जो हम पीडीएफ सेंड करेंगे, फिर अगले दिन हम आपको मृदा ध्वनि प्रदूषण के साथ मृदा प्रदूषण और रेडियो एक्टिविटी, कल ये चैप्टर को हम पूरा करेंगे। आज आप इसको समझिए, वीडियो को देखिए, और रिटर्न वर्क हम आपको अगले दिन पीडीएफ सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू, गुड मॉर्निंग।